हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड इवनिंग। गुड आज इवनिंग। हम ऑर्गेनॉन से स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर। हमने इससे पहले जो दो लेक्चर्स करे थे वो मटेरियल रिलेटेड थे। उसमें हमने स्टैफ पढ़ी, स्टैफ के मेंटल सिम्टम्स को जाना, स्टैफ के फिजिकल सिम्टम्स को जाना। उसके बारे में कुछ डाउट्स आपने भेजे थे, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज ये वाले थोड़ा ऑर्गेनॉन स्टार्ट कर दूं। आपके डाउट के लिए मैंने सोचा है एक पूरा अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे हम एंड में, और फिर वहां पर आपके जो भी डाउट्स आएंगे उसके एक पीपीटी फॉर्म में अच्छे से रेफरेंसेस के थ्रू एक्सप्लेन करके, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा बोल के विदाउट रेफरेंस तो सही नहीं होगा। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास मैं बीच में अभी आपको बता दूंगा किस दिन होगी। उस दिन डाल के आपके वो डाउट्स के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको रेफरेंस के साथ क्लियर करेंगे। अब आज हम बात करेंगे अफोरिज्म 105 ऑनवर्ड्स। हमने बोला था कि हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई बता सकता है कि अफोरिज्म 105 ऑनवर्ड्स क्या बताया जाता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, या क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखा है डॉक्टर हनुमान? ड्रग प्रूविंग है सर। ड्रग प्रूविंग के बारे में लिखा हुआ है। तो ड्रग प्रूविंग जो चीज है उसके बारे में कुछ आप लोग बताइए। ये ड्रग प्रूविंग क्यों होम्योपैथी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और क्या पिक्युलैरिटी रखती है हमारी ड्रग प्रूविंग? आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में है अभी यहाँ पर। तो ड्रग प्रूविंग हमारे बहुत हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कोई बताएगा? अच्छा चलो सवाल चेंज करता हूं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी जानते हो आप लोग? कौन कौन से होते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी? हेलो, आवाज आ रही है कि पहुंच नहीं रही है, क्या सर हो रहा है? कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी जानते हो अभिषेक? यस सर सर क्या क्या होते हैं बताओ। सर 8 प्रिंसिपल्स होते हैं। लॉ सिमिलिया, लॉ सिंप्लेक्स, लॉ मिनिमम डोज, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग नॉर्मलाइजेशन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स आपने बताए, जो कि हम बोला जाता है कि पिलर्स ऑन विच होम्योपैथी स्टैंडिंग टुडे, इनके बिना अगर इनमें से एक को भी हटा दोगे तो होम्योपैथी का वजूद ही नहीं रहेगा। और इसी वजूद को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हनीमून के टाइम के पहले ड्रग प्रूविंग नहीं होती थी, और ऐसा नहीं है कि ड्रग प्रूविंग के अलग अलग तरीके पहले नहीं अपनाए गए थे, पर हनीमैन ने क्या ऐसा किया और क्यों ऐसा किया, रादर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों एक दिन ऐसा अचानक से थोड़ी उनको लगा कि क्यूलेंस मटेरिया पढ़ते पढ़ते अचानक से उनको फील हुआ कि नहीं नहीं हेल्दी ह्यूमन बींग पे ड्रग प्रूविंग करते हैं क्योंकि ये बेटर एक्शन है। ये एक दिन का थॉट प्रोसेस नहीं था। इस थॉट प्रोसेस को बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च, बहुत एक्सटेंसिव बुक की रीडिंग, लोगों को देखना, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग डॉक्टर्स को देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ना, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हनीमैन इस कंक्लूजन पे आए थे। और आप सबको ये तो पता है कि हमारी ड्रग प्रूविंग दूसरे की ड्रग प्रूविंग से ऐसे डिफर करती है क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होती है, और वही हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे जो ड्रग प्रूविंग होती है वो पहले कभी नहीं करी गई थी, या करी गई थी पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर ड्रग प्रूविंग? कोई बताएगा इस बारे में? हनीमैन के पहले कोई था जिसने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर ड्रग प्रूविंग के बारे में बात करी है? देखिए ऑर्गेनॉन की क्लास थोड़ी इंटरैक्टिव रखिएगा तभी मजा आएगा, मटेरियल थोड़ी है कि मैं सुनाता जाऊंगा इसको।
हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग, जो आप बोलते हैं कि डॉक्टर हनीमैन इसलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के ऊपर बात करना स्टार्ट किया, तो क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑथर रहा है पहले जो हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के बारे में बताया है? चलिए इस पे हम आएंगे बाद में, अफोरिजम्स के बीच में आएंगे इस चीज। अब ड्रग प्रूविंग अगर आपको समझनी है होम्योपैथी में, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हनीमैन इस कंक्लूजन पे कैसे आया कि उसको हेल्दी ह्यूमन पे ही ड्रग प्रूविंग करनी। क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्यों उसने ये चीज अपनाई, इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ये यूं ही एक फ्लूक की बात नहीं थी कि वो आते ही अचानक से उसने कहा कि हाँ चलो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर ड्रग प्रूविंग करके देखते हैं। ये एक दिन का रैशनल डिसीजन नहीं था, ये महीनों की रिसर्च थी, ये महीनों की स्टडी थी। और इसी पर्पस को जानने के लिए आपको साथ साथ में लेसर राइटिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड थोड़ा पॉज लूंगा मैं। हाँ, लेसर राइटिंग अगर आप लोग, मैंने पहले भी आप लोग को जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ते थे तब मैंने आपको ये मेंशन किया था कि अगर आपको ऑर्गेनॉन को अच्छे से समझना है तो कुछ जैसे बोलते हैं ना कंकॉमिटेंट बुक्स होती हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि अकंपनी करना आपकी ऑर्गेनॉन की स्टडी को बहुत जरूरी है। उनमें से एक किताब है लेसर राइटिंग दैट इज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर आरी डजन। उसमें एक प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन है जो आप पढ़ते होंगे, आपके वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन, तो आप बताते हैं कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक है और एक है एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। तो ये जो पहला वाला है ना एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल वाला जो 1796 में आया था, ये यहां पर हनीमैन ने 1796 में बता दिया था कि वो इस कंक्लूजन पे क्यों आए थे कि उनको हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करनी। ये चैप्टर का पूरा नाम है जो आपको लेसर राइटिंग में हनीमैन के मिल जाएगा। इसके नाम में ही हनीमैन मेंशन कर रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू बताना क्या चाहते हैं कि एक न्यू प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहते हैं जो कि एक किसी ड्रग की क्यूरेटिव पावर को, कि वो पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस, वो पर्टिकुलर दवाई क्या क्या चीजें ठीक कर सकती है और उसको जानने के लिए क्या प्रिंसिपल अप्लाई करना है, पहली बात तो ये। और इसके साथ साथ हनीमैन बताएंगे विद फ्यू ग्लांसेस एट दोस हिथरटो एम्प्लॉयड, अब तक किन किन चीजों को उठा के मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर के बारे में जाना जा रहा था, पहले हम उस पे नजर डालेंगे और फिर हम आएंगे कि मैं क्यों नया प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको। और ये हनीमैन ने ह्यूफ्लेंट जर्नल में पहली बार पब्लिश किया था 1796 में ही। अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हनीमैन चालू करते हैं केमिस्ट्री की बात से कि केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी दवाई के मेडिसिनल वर्च्यू को जानने के लिए, उसकी क्यूरेटिव पावर को जानने के लिए। इसको बताते हुए हनीमैन कहते हैं कि केमिस्ट्री में इस सेंचुरी में, जब ये सेंचुरी चालू हो रही थी उस जमाने की बात है 1796 की, केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी डॉक्टर्स के द्वारा किसी भी प्लांट की, खासकर मेडिसिनल वर्च्यू जानने के लिए। और एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे, वो कभी किसी प्लांट को रेजिन्स को जलाते थे, उससे जो सब्सटेंस निकलता था उसको स्टडी करते थे, रिटॉर्ट्स में लगा के उस प्लांट को झोंक दिया फिर उसको जलाया, इतने सारी चीजें करी और एंड प्रोडक्ट उनको कुछ खास नहीं मिलता। इसी को हनीमैन डिपिक्ट करते हैं शुरुआत में अपनी लेसर राइटिंग के इस चैप्टर की। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेंचुरी द अनमेरिटेड ऑनर जो वो डिजर्व नहीं करता है, जितना हम इस चीज को ऑनर दे रहे हैं, जो उस जमाने के फिजिशियन केमिस्ट्री को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे वो उतनी डिजर्व नहीं करती है, वॉज कन्फर्ड ऑन केमिस्ट्री मोर स्पेशली बाय द अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ पेरिस ऑफ टेम्पटिंग इट टू कम फॉरवर्ड एज द डिस्कवर ऑफ द मेडिसिनल वर्च्यू ऑफ द ड्रग्स पर्टिकुलरली ऑफ प्लांट्स, खासकर प्लांट्स की। पर जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने भी करे, ये हनीमैन ने नहीं करे, ये उन लोगों ने, उस जमाने के फिजिशियंस ने करे, ओल्ड स्कूल फिजिशियंस ने करे,
एंड में उनको ये खुद रियलाइज हुआ इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ आर मनी एंड टाइम. लार्ज सम्स ऑफ मनी वर दस वेस्टेड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स बिफोर इट वॉज परसीव्ड दैट नन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ वेजिटेबल कुड बी एक्सट्रैक्टेड बाई दिस फायरी ऑर्डियल फार लेस दैट एनी कंक्लूजन रिस्पेक्टिंग देयर क्यूरेटिव पावर्स कुड बी कम. ये तो छोड़ दो कि कॉम्पोनेंट क्या है वो ही जानना छोड़ दो, इनको यही नहीं पता चल रहा था कि इससे कुछ मिल भी रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है. बस जला के देख रहे थे, दो तीन सब्सटेंस निकलते थे और उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हो जाता था कि उन सब्सटेंस के बारे में भी नहीं पता कर पाते थे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो बहुत ज्यादा पैसा और टाइम और एनर्जी उस जमाने के फिजिशियन ने इस प्रोसेस में वेस्ट करी अपनी. ऑल्दो केमिस्ट्री कैन नॉट डायरेक्टली पॉइंट आउट मेडिसिनल पावर yet it can do this indirectly by demonstrating the powerlessness of medicine in themselves powerful from being mixed or the noxious property of mixtures of medicine in themselves innumerous. aapko jab bhi aap Honeyman ki life history padhenge aapko pata hoga Honeyman ek zamane mein chemistry ke bahut kareeb aaye the aur ek zamane mein unko bahut importance di jati thi as a chemist not as a homeopath aur us samay Honeyman ne bahut kareeb se chemistry ka work देखा था विद द ड्रग प्रूविंग प्रोसेस और उन्होंने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को एकदम निग्लेक्ट कर दिया जाए. केमिस्ट्री हमें ड्रग्स के अडल्ट्रेशन के बारे में बताती है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग में कितने कंपोनेंट हैं, कौन कौन से प्रकार के हैं, क्या वो प्योर है कि नहीं है, उसमें और प्रकार का मिक्सचर्स तो नहीं है, कोई नॉक्शियस तो चीज नहीं है इसके अंदर जो दूसरे को हार्म कर सकती है. अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बनाए जाते थे उस जमाने में केमिस्ट्री में जो इन चीजों को बताते थे. तो Honeyman कह रहे हैं कि ऑल्दो ये आपको ड्रग प्रूविंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस नहीं रह सकेगा, लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए जो कि इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है ड्रग प्रूविंग के लिए, इसके लिए केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए ये Honeyman ने भी अपने जमाने में बहुत सारे ऐसे ड्रग प्रूव सॉरी केमिस्ट्री के ऐसे टेस्ट निकाले थे जो कि ड्रग प्रूविंग में काम आ सके. एल्कोहल को प्योर करने के टेस्ट, दवाइयों के मिक्सचर्स को अडल्ट्रेशन को पकड़ने के टेस्ट Honeyman ने खुद ऐसे डिजाइन करे. These few examples may suffice to show that chemistry cannot be excluded from a share in the discovery of the medicinal power of drugs. तो केमिस्ट्री को एक्सक्लूड नहीं करना है, पर एक बात जान लेनी है कि केमिस्ट्री से जो हमें चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि जितने भी एक ड्रग के अंदर क्योरिंग कैपेसिटी रखने वाले सिम्टम्स हैं हमें वो चाहिए, वो यहां नहीं मिल सकता. उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप और ढूंढना पड़ेगा. और उस जमाने के फिजिशियंस को जब यहां पर चीजें नहीं मिली तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या अपनाया, मिक्सिंग अननोन ड्रग विद न्यूली ड्रॉन ब्लड. उन्होंने सोचा कि ये जो ड्रग्स हमें मिल रहे हैं ना, इसको ब्लड निकालो शरीर से और ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें इन अननोन ड्रग्स को डालो और देखो क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं ब्लड, क्या वो पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, क्या उसमें कोई कलर चेंजेस आ रहे हैं, और इस बेसिस पे डिपिक्ट करो कि क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इस ड्रग के अंदर, क्यूरेटिव एक्शन क्या हो सकता है. अगेन स्टिल वर्क्स फॉर द मटेरिया मेडिका वाज द एडवाइस ऑफ दोज हु सॉट टू असर्टेन द मेडिसिनल पावर ऑफ इट्स वेरियस एजेंट बाय मिक्सिंग द अननोन ड्रग विद न्यूली ड्रॉन ब्लड इन ऑर्डर टू सी वेदर द ब्लड ग्रो डार्कर और लाइटर, थिनर और थिकर, जस्ट as if we could bring the drug into the same immediate contact with the blood in the artery as we can in the test tube. Unko lagta tha ki jaise hi artery mein wo jati hai hamari dawaiyan aur blood mein action karti hai, wo ek test tube mein dal ke dekhenge to wahi same reaction hoga, koi farak nahi hoga. But such paltry modes of ascertaining the power of medicine bear on their face the stamp of their worthlessness. Honeyman kehta hai ki is tarike ke chote mote experiment pe अगर हम अपनी वास्ट मटेरिया मेडिका की क्यूरेटिव एक्शन को बेस करेंगे तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती. ये इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते हैं, इतनी छोटी चीजों से हम क्यूरेटिव एक्शन जान ही नहीं सकते. कुछ एक्सटेंसिव मेथड चाहिए, कुछ रैशनल मेथड चाहिए, इरैशनल नहीं चाहिए हमें. इवन द इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स इन टू द ब्लड वेसल्स ऑफ एनिमल इज फॉर द सेम रीजन अ वेरी हेट्रोजीनियस एंड अनसर्टेन मेथड. उस जमाने में और क्या चीज होती थी, ड्रग को लिया उसको एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया और देखा गया कि क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं. अच्छा, जो एनिमल्स के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है उसके बेसिस पे ह्यूमंस को देना चालू कर दिया, जो कर जो कि आज के जमाने में भी कई हद तक होता है, कई हद तक.
ऑल्दो पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस चेंज हो गई है, पर कई हद तक आज भी यही चल रहा है. पर हनीमैन कहते हैं हाउ ग्रेटली डू देयर बॉडीज डिफर फ्रॉम आर्स, क्या एनिमल और ह्यूमन बींग्स एकदम सिमिलर बॉडी रखते हैं, एकदम सिमिलर फिजियोलॉजी रखते हैं, हर चीज सेम होती है हमारी? ऐसा नहीं है. अ पिक कैन स्वेलो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नक्स वोमिका विदाउट इंजरी एंड येट मेन हैव बीन किल्ड विद 15 ग्रेन ओनली. हनीमैन एग्जाम्पल देते हैं कि जहां पर किसी पिक के अंदर आप नक्स वोमिका की कितनी भी क्वांटिटी डाल लो उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसको डाइजेस्ट करके निकाल देता है. रादर देन वही 15 ग्रेन ऑफ नक्स वोमिका कैन किल अ ह्यूमन बीइंग. ऐसे ही वो मॉन्क शुड जो कि है हमारी एकोनाइट है, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि अ डॉग हैज एन आउंस ऑफ द फ्रेश लीव्स फ्लावर एंड सीड्स ऑफ मॉन्क शुड, व्हाट मेन वुड नॉट हैव डाइड फ्रॉम सच अ डोज. मॉन्क शुड भी अपने आप में एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है क्रूड फॉर्म में. तो हनीमैन ने यहां पर फिर रियलाइज करवाया कि इस तरीके से आप नहीं जा सकते, इस तरीके से आप ड्रग प्रूविंग नहीं कर सकते, ये भी गलत वे है. वॉट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें? सर्टनली नॉट मच इफ आई मे नॉट से नथिंग, दस मच एटलीस्ट इज सर्टन दैट द फाइन इंटरनल चेंजेस एंड सेंसेशन विच अ मैन कैन एक्सप्रेस बाय वर्ड्स मस्ट बी टोटली वॉन्टिंग इन द लोअर एनिमल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब किसी ह्यूमन बींग को, आज हमारे यहाँ ट्रायल्स होते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ड्रग प्रूविंग के ट्रायल्स हुए हैं हमारे कॉलेज में, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, जिस तरीके के एक तरीके से सब्जेक्टिव चेंजेस जो एक इंसान बता सकता है अपनी जुबान से, बयां कर सकता है उस सेंसेशन को, बयां कर सकता है उस दर्द को, बयां कर सकता है उस परेशानी को, क्या एनिमल्स बयां कर सकते हैं उस परेशानी को उस एक्सटेंसिव फॉर्म में? नहीं कर सकते. For this, such experiments are too obscure, too rude, and if I be allowed the expression, too awkward. Too rude क्यों use किया यहाँ पर? क्योंकि पहले के जमाने में poisonous मात्रा में ऐसे experiments करे जाते थे, animals को दिए जाते थे, और large amount और large quantity में दिए जाते थे, और इतने सारे animals एक बहुत ही bulk में इससे death होती थी उन animals की. और कारण यही था क्योंकि हमें क्यूरेटिव एक्शन जानना, और उसके कारण इतने बल्क में डेथ हुई एनिमल्स की कि एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि सरकार ने इस चीज को रोकने की सोची थी कि नहीं अब ये नहीं होगा. अब इससे भी जब उनको नहीं मिला कि अच्छा चलो केमिस्ट्री देख ली, एनिमल्स में इंजेक्ट करके देख लिया, ब्लड में इंजेक्ट करके देख लिया, नहीं मिला, अब नेक्स्ट किससे ढूंढा जा सकता है? एक सेकेंड, अभी भी लोग आ रहे हैं. नेक्स्ट ढूंढा जा सकता है एक्सटर्नल साइंस ऑफ प्लांट से, कि बाहर से देखने में प्लांट कैसा लग रहा है, उसके रंग कैसा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, काइंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सॉरी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जो हम कहते हैं, काइंड ऑफ वैसी चीजें जो जमाने में करी जाती थी. वहां पर देखा जाता था द सिस्टमाइजर ऑफ द मटीरिया मेडिका सॉर्ट फॉर देन in the drugs themselves, he imagined he would find in them hints for his guidance. He did not observe, however, that their sensible external signs are very often very deceptive as the physiognomy is in indicating the thoughts of the heart. आपके मन में क्या चल रहा है ये हमेशा आपका चेहरा देख के नहीं बताया जा सकता, हनीमैन ऐसा कहते हैं. इसी तरीके से उस प्लांट में क्या क्यूरेटिव पावर है ये उसके एक्सटर्नल साइंस को देख के नहीं बताया जा सकता. इसी वजह से हनीमैन ने इस मेथड को भी डिक्लाइन किया. ल्यूरिड कलर्ड प्लांट्स आर बाय नो मींस ऑलवेज पॉइजनस, जो ब्राइट रेड कलर्ड ब्राइट कलर्ड प्लांट्स होते हैं जरूरी नहीं है हमेशा पॉइजनस हो. ये पुराने जमाने में ऐसा नोशन था कि ब्राइट प्लांट्स हैं तो दे आर मोर पॉइजनस, और जितने डल कलर्ड प्लांट है वो नॉर्मल होते हैं, पर ऐसा इस बेसिस पे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ड्रग्स विच मे बी असर्टेंड बाय द स्मेल एंड द टेस्ट विल नॉट अलाउ अस टू फॉर्म एनी ट्रस्टवर्दी कंक्लूजन रिस्पेक्टिव अनट्राइड सब्सटेंसेस. आई वुड काउंसिल, और यहां पर हनीमैन खास तरीके से कॉशियस करते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी डॉक्टर को, कि आई वुड काउंसिल ऑन द अदर हैंड ग्रेट कॉशन ऑफ दोज हु वुड
फॉर्म देयर जजमेंट फ्रॉम देम अलोन. सिर्फ किसी के बेसिस पे अगर आप जजमेंट बना रहे हैं किसी दवाई के बारे में तो ये बहुत ही गलत जजमेंट होगा आपका. अब आती है बात बोटैनिकल एफिनिटी की, कि एक तरीके की फैमिली में चार प्लांट है तो चारों की एक तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी होगी. एक तरीके की ग्रुप में एक तरीके के उसमें आते हैं तो एक तरीके के सिम्टोमेटोलॉजी पोजेस करेंगे. जो ग्रुप स्टडी आजकल देखते हैं हम, कई बुक्स में मिलती है हमें. पर एक बात बताइए, क्या ग्रुप में जितनी रेमेडीज होती हैं वो सारी रेमेडीज सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी दिखाती हैं? अगर ऐसा होता तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाते आप किसी भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जो एक ही फैमिली में रहती है? इसी को हनीमैन बताते हैं वहां पर, बोटैनिकल एफिनिटी में अलाउ अस टू इन्फर अ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शन. ये क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज फार फ्रॉम बीइंग द केस एज देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ अपोजिट और एटलीस्ट वेरी डिफरेंट पावर्स इन वन और द सेम फैमिली ऑफ प्लांट्स एंड दैट इन मोस्ट ऑफ देम. ज्यादातर प्लांट्स जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं जरूरी नहीं है सेम सिम्टोमेटोलॉजी पोजेस करें, उन्हीं के अंदर बहुत मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है. बहुत मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस सिम्टोमेटोलॉजी में माइंड की बॉडी की देखने को मिलता है. और इस बेसिस पे अगर आप वर्च्यूज को क्लासिफाई करेंगे कि रेनिकुलेसी फैमिली में ये प्रॉपर्टीज होती हैं और सो एंड सो फैमिली में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सही तरीका नहीं है. आपको हर ड्रग को उसके अंदर जाके एक एक सिम्टोमेटोलॉजी को करीब से जानना है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब आपके पास केस आएगा कि ये वाली देनी है ये वाली देनी है, चाहे दोनों रेनिनकुलेसी की हो. देनी कौन सी है ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस वाली मेडिसिन की क्या सिम्टोमेटोलॉजी है और दूसरी वाली मेडिसिन की क्या सिम्टोमेटोलॉजी है. सिर्फ फैमिली बेसिस पर नहीं डिसाइड कर पाएंगे आप. आई एम फार फ्रॉम डिनाइंग हाउएवर द मेनी इंपॉर्टेंट हिंट्स द नेचुरल सिस्टम में अफोर्ड टू द फिलोसॉफिकल स्टूडेंट ऑफ द मटीरिया मेडिका. जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं, ये जो ग्रुप स्टडी आज बनी हुई है ये आप देख सकते हो, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो. एक बार को आपकी मेमोरी को याद करने के लिए आप देख सकते हो कि अच्छा ये ग्रुप ऑफ सिम्टम ज्यादातर मिलते हैं इस फैमिली में. पर ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता दवाई देने के लिए. ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता किसी दवाई के वर्च्यूज को जानने के लिए, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए. They may give rise to hypothetical conjectures, which are, however, far from approaching even to probability. ये hypothesis है, ये कोई rational way of deciding नहीं है, और ये probability के आसपास भी नहीं आता. Conclusion तो छोड़ दो, probable भी नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, इतना भी हम नहीं कह सकते. अब next आता है, जो सबसे करीब है हमारे ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के, जो सबसे करीब आया है ना, वो ये वाला पार्ट है, एक्सीडेंटल केसेस और केसेस ऑफ पॉइजनिंग, जो कि आज भी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी मटीरिया मेडिका के अंदर. अगर आप मटीरिया मेडिका प्यूरा उठा के देखेंगे, क्रॉनिक डिजीज उठा के देखेंगे, वहां पर पॉइजनिंग के और एक्सीडेंटल केसेस को इंपॉर्टेंस दी गई है. अभी भी केसेस मेंशन करे गए हैं और ऑथर्स के उस सिम्टोमेटोलॉजी को बनाने के लिए. पर क्या यही सिर्फ है? ऐसा नहीं. The humiliating confession must be made that most of the virtues of medicinal bodies were discovered by accidental empirical experiences, by chance often first observed by non-medical person. Bold, often overbold physician then gradually made trial of them. अब होता क्या था पुराने जमाने में, मान लो किसी ने कुछ ऐसे ही उठा के खा लिया, या किसी को किसी ने एक होम तरीके का होता है ना आजकल घरेलू नुस्खे जो होते हैं कि हाँ ये चलता चला आ रहा है, इसको उठा के इसमें दो थोड़ा फायदा मिलता है. इस तरीके की चीजें पुराने जमाने में पाई जाती थी, या तो किसी को पॉइजन करने के लिए किसी तरीके का ड्रग सब्सटेंस दिया जाता था, ये इसकी दवाई उसमें मिला दो खाने में तो ये मतलब पॉइजन हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. और इस बेसिस पे जो उस जमाने के डॉक्टर होते थे उसकी सिम्टोमेटोलॉजी को जज करते थे कि अच्छा ये वाली दे के ये थोड़ा सा आराम मिलता है ना, तो अब ये इस तरीके की चीजें ठीक करेगा. इसको देखे इसमें पॉइजन करा गया है तो इसके अंदर इस तरीके की डिस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज है. और इसके बेसिस पे जब उनके पास केसेस आते थे तो इसके बेसिस पे उस दवाई को प्रिस्क्राइब करते थे. पर हनीमैन कहता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग कन्फेशन है, शर्म आनी चाहिए ऐसा कन्फेस करते हो भी उन लोगों को, जो कि आप जो ह्यूमन बींग को जब ये दवाई दे रहे हैं तो वो इस बेसिस पे दे रहे हैं क्योंकि जस्ट बाय चांस वो हमें दिख गया था एक बार ऐसा काम करते हुए.
तो हम इसको दे के ठीक कर देंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को दवाई देते से पहले कि बस क्योंकि एक बार ये काम कर गई या दो बार ये काम कर गई तो हम इसको इसकी डिजीज में दे देते हैं। अब उसका जो इफेक्ट होगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है उसका जितना फायदा ना उससे डबल उसका साइड इफेक्ट हो जाए, पर वो हमें कोई मायने नहीं रखता। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डिनाइंग द हाई वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ डिस्कवरिंग मेडिसिनल पावर्स, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बट इट इन इट देयर इज नथिंग फॉर अस टू डू, चांसेस एक्सक्लूड ऑल मेथड ऑल वॉलंटरी एक्शन, सैड इज द थॉट दैट द नोबलेस्ट। अब ये बात हनीमैन किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। Sad is the thought that the noblest, the most indispensable of art is built upon accident, which always presupposes the endangering of many lives. हम किसी human being को ठीक करने के लिए जो अपनी medicine use कर रहे हैं, क्या उसका basis आप सोचते हैं कि एक accident होना चाहिए? अगर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही sad thought है और ये बहुत ही humiliating होगा हमारे लिए ऐसा सोचना। अब तीन तरीके से उस जमाने में मेडिसिन को अप्लाई किया जाता था। पहला, फंडामेंटल कॉज को ढूंढो और उसको हटाओ। तब क्रोनिक डिजीज हनीमैन ने नहीं बनाई थी, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। फंडामेंटल कॉज मतलब वही वो मटेरियलिस्टिक कॉज को ढूंढने लगते थे और जो मिला उसको हटा दो। अब ब्लड भर गया है तो कॉज क्या है, ये गंदा ब्लड है अंदर तो लीच लगा दो, और लीच लगा के इस गंदे ब्लड को सॉकिंग कर लो और बाहर कर दो तो इंसान ठीक हो जाएगा। इस तरीके के मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉज थे उस समय। दूसरा क्या था, जो चीज हो रही है उसका एकदम अपोजिट कर दो, जो कि था कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, जो कि उस जमाने में गैलन के द्वारा इतना प्रोपोकेट किया गया था कि सिमिलिया एकदम छुप गया था कि अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करने वाली मेडिसिन। इस तरीके का कॉन्ट्रेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट था उस समय। ये तीसरा था स्पेसिफिक रेमेडीज। अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट एक ये रखती है कि हनीमैन ने भी जब होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी थी तो उन्होंने स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करी थी कि स्पेसिफिक मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन बताया था हनीमैन ने। पर यहां पर एक डिफरेंस है, अभी तक हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की बात नहीं हुई, अभी तक पुरानी चीजें बताई जा रही है। और पुरानी जमाने में जब स्पेसिफिक रेमेडीज की बात होती थी ना तो वो बेस होती थी इन चीजों पे, एक्सीडेंटल केसेस या केसेस ऑफ पॉइजनिंग पे, कि एक बार हमने देखा कि इसको देके ये फायदा मिला तो अगली बार अगर वैसा केस आए तो ये एक स्पेसिफिक रेमेडी हो गई इस डिजीज के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार एक्सीडेंटली हमें दिख गया था। ये था स्पेसिफिक रेमेडी उस जमाने की। बाद में इसको चेंज करके हनीमैन ने होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की बात करी थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर। उसके बाद हनीमैन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट, नथिंग देन रिमेन्स। इतनी चीजों को समझने के बाद, इतनी चीजों को अलग अलग जगहों से देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, सिर्फ एक प्यूलेंस मटीरियल मेडिका पढ़ने के बाद थॉट नहीं आया था, इतना सब एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद हनीमैन इस कंक्लूजन पे आते हैं कि नथिंग देन रिमेन्स बट टू टेस्ट द मेडिसिन वी विश टू इन्वेस्टिगेट ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग। The necessity of this has been perceived in all ages, but a false way was generally followed. ये ऐसा नहीं है कि हनीमैन कह रहे कि मैं ही इसका देने वाला हूं, मैं ही फाउंडर हूं, पहले भी लोगों ने ऐसा सोचा है, पर तरीका जो अपनाया इस चीज को अप्लाई करने के लिए वो कहीं गलत था। In as much as they were, as above stated, only employed empirically and capriciously in diseases. Every powerful medicinal substance produces in the human body a kind of peculiar disease. The more powerful the medicine, the more peculiar, marked and violent the disease. अब आप ये बात समझिए, ये आज आप अपनी Organon of Medicine में पढ़ते हैं, पर पहली Organon of Medicine का edition कोई बताएगा कब आया था? First Organon of Medicine का edition क्या था? कब, कौन सी year में आया था? 1810. और ये article कब लिखा गया? 1796 में। इतने पहले हनीमैन ने यह देख लिया था कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। और जब 1810 में वो आपको समाज को बताने के लिए निकला अपनी ऑर्गनॉन के थ्रू कि मैंने क्या देखा, तो उसके पास सिर्फ एक इंसिडेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ एक दो साल का एक्सपीरियंस नहीं था,
एन नंबर ऑफ साल्स का एक्सपीरियंस वो आपको दिखाने आ रहा, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो कर चुका था। तो कभी भी ऑर्गेनॉन को अगर कोई बोले ना इट इज अ थ्योरी, देन उससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर क्लार्क की किताब आती है, उसमें डॉक्टर क्लार्क ने ये मेंशन करा हुआ है कि बहुत सारे लोग, जितना दुनिया प्रैक्टिकल होती जा रही है ना, बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि ऑर्गेनॉन इज वेरी थ्योरेटिकल। क्या है थ्योरी? है थ्योरी पर क्या करेंगे हम, हमें तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। क्लिनिकल मेडिसिन इज द न्यू टर्म ना, क्लिनिकल मेडिसिन आनी चाहिए। पर डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं कि थ्योरी इज द ओनली थिंग दैट इज प्रैक्टिकल, ये उनका कोट है। अगर आप वो बेस, अगर आप वो प्रिंसिपल, अगर आप वो कोर नहीं समझोगे तो जो भी आप कर रहे हो ना उसका कोई बेसिस नहीं है, वो रैशनल नहीं है। दैट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, दैट इज जस्ट कंजेक्चर्स दैट यू आर डूइंग। और हनीमैन की कोई भी चीज जो लिखी हुई है ना, अगर आपको कभी डाउट हो कि वो यूं ही लिखी है, तो आप हिस्ट्री पढ़ना जरूर सीखें, आप लेसर राइटिंग पढ़ना जरूर सीखें, आप जर्नी जानिए कि एक चीज अगर हनीमैन लिख रहा है तो उसकी जर्नी कितनी पुरानी है। इसी तरीके से आजकल माइजम के कॉन्सेप्ट को भी बोला जाता है कि हनीमैन ने कुछ साल 12 साल वो पढ़ा था, 12 साल से भी ज्यादा पढ़ा था अगर आप हिस्ट्री में अच्छे से जाएंगे तो। डॉक्टर डेविड लिटिल की एक किताब आती है द होम्योपैथिक कंपेंडियम, उसकी पहली वॉल्यूम में सिर्फ हिस्ट्री दी हुई है, आप उसमें पढ़ेंगे ना तो हनीमैन 12 साल से भी पहले अपने सिम्टम्स जब लिखता था पेशेंट के केस टेकिंग में, तो बगल में ब्रैकेट में 16 लिखना चालू कर दिया था। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इस किताब में जाइएगा, उस किताब में हनीमैन की ओरिजिनल राइटिंग की फोटोग्राफ है केस टेकिंग की, और उसमें सिम्टम्स के आगे हनीमैन ने लिखा हुआ है जर्मन में 16। तो हनीमैन बहुत साल, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कोई चीज कहता है, और अगर कोई चीज एंड में उसने, और ऑर्गेनॉन को भी उसने 5 बार रिफाइन किया है, तब जाके आपको एंड में जो रिफाइंड वर्जन आप पा रहे हो। और ऑर्गेनॉन के पहले तो सोचो कितना एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो अगली बार अगर कभी भी डाउट हो ना कि थ्योरी है, तो इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को जरूर याद कर लेना। इन ऑर्डर टू क्योर रेडिकली सर्टेन क्रोनिक डिजीजेस वी मस्ट सर्च फॉर मेडिसिन दैट कैन एक्साइट अ सिमिलर डिजीज, द मोर सिमिलर द बेटर इन द ह्यूमन बॉडी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग की क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? It is the process of knowing the pathogenetic power of a medicine. Pathogenetic power हम किसको कहते हैं? Disease producing power of medicine. By administering it in different constitution of different age groups. Children को भी देते हैं, adult को भी देते हैं, old age वालों को भी देते हैं. Different constitutions जिनके होते हैं अलग अलग लोगों के, उनको देते हैं. Of both the sexes, males को भी देते हैं, females को भी देते हैं. In apparently healthy condition. टोटली हेल्दी कोई नहीं है, ना उस जमाने में था ना आज के जमाने में है। अपेरेंटली हेल्दी कंडीशन में जब डिफरेंट सेक्सेस के, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को जानने के लिए दवाई दी जाती है, उस प्रोसेस को ड्रग प्रूविंग का नाम दिया जाता है। डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू डिजीज क्योरिंग पावर, ये आप जानते हो। इसलिए ये प्रोसेस क्यों करी जाती है, क्योंकि जो हनीमैन क्या कहता था, जो ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा वही डिजीज वो क्योर करेगा। तो इस वजह से हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करी, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टीज जाननी थी। अब ड्रग प्रूविंग 2 पार्ट में आपके ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में आपको मिलेगी। एक मिलेगा आपको डॉक्ट्रिनल नीड ऑफ सच प्रोसेस 19 से 21 में, जो हमने पहले पढ़ा था, और एक मिलेगा 105 से 145 अफोरिज्म में, जो कि डिटेल्ड डायरेक्शन ऑफ ड्रग प्रूविंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे प्रोसेस क्या है, वो डिटेल्स वहां मिलेंगे, और क्यों करना है, क्या जरूरत है, वो 19 से 21 में मिलेगा। एक बार हम 19 से 21 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 19 अफोरिज्म क्या कहता है? द ऑल्टरेशन ऑफ कंडीशन एंड डिजीज, द डिजीज सिम्टम्स कैनॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन unless the medicine likewise have the power to bring to pass condition alteration in human. जब तक वो power नहीं रहेगा कि वो healthy human being में alter करे, तब तक वो disease में कोई changes नहीं ला सकता. The power of medicine to alter the state of health can only be ascertained by their effects on healthy person.
20 अफोरिज्म ये कहता है, और 21वां अफोरिज्म क्या कहता है, द मॉर्बिड सिम्टम दैट मेडिसिन प्रोड्यूस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स आर द ओनली थिंग वेयर फ्रॉम वी कैन लर्न द डिजीज क्योरिंग पावर. ये जो हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग हो रही है, दिस इज द ओनली द मोस्ट रैशनल वे, द मोस्ट मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक्सीडेंटल जो प्रूविंग होती थी ना उस जमाने में, एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि एक्सीडेंटल ड्रग प्रूविंग को क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारी ड्रग प्रूविंग के साथ. ये बहुत बड़ी डिबेट चलती थी, कई स्टॉलवर्ड्स थी हमारे उस जमाने में. पर ये पाया गया कि ये कोर है, ये ऑक्सिलरी है, ये साथ में मिलेगा, इसको रखिए. पर जो कोर है ना वो ये हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग है, इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं, ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन इसके साथ इसकी इंपॉर्टेंस एनहांस हो जाती है, इसको याद रखिएगा. अब हम आते हैं हमारे अफोरिजम्स पे. आज हम कुछ अफोरिजम्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, अराउंड 109 तक मैंने सोचा है डिस्कस करने को. तो कोई आप में से कोई अगर कोई भी हो इसको रीड करेगा अफोरिज्म को प्लीज. थोड़ा लाउडली रीड कर दो अफोरिज्म को. The second point of the business of a true physician relates to acquiring a knowledge of the instruments intended for the cure of the natural diseases. अच्छा अब यहीं पर एक बार रुक जाओ. ये second point क्यों बोल रहा है यहाँ पर? Sir, because aphorism 71 में ही पहले तीन business बताए हैं, उसमें से second point ये है drug proving. तीन business तो गलत word होगा. 71 aphorism तुम कह सही रही हो. 71 aphorism में बताया गया है 3 points necessary for cure. उसमें पहला point क्या होगा जो बता रहा था? Investigation of disease. Case taking. वो हमारा पहला point हो गया. अब case taking जब आपने कर ली, अब case taking के बाद क्या आता है? दवाई देना. तो दवाई देने से पहले आप ये तो जानिए कि दवाई जो आप दे रहे हो उसकी मेडिसिनल पावर क्या है, क्या कैपेसिटी है उसकी, किस तरीके से वो ठीक कर सकती है, क्या ठीक कर सकती है, ये कैसे जानोगे? ये जानोगे ड्रग प्रूविंग करके. तो इसीलिए यहां पर लिखा है द सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस. पहला पॉइंट हो गया केस टेकिंग. दूसरा पॉइंट पे आते हैं, क्या करना है? Acquiring a knowledge of the instruments intended for the cure of the natural disease. वो instruments क्या है? हमारी दवाइयां हैं जो हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं. उसके नॉलेज एक्वायर करना कि ये दवाइयों के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम इसको दे सकते हैं किसी डिजीज इंडिविजुअल को. इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन. पैथोजेनेटिक पावर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर की यहां बात हो रही है. In order when called on to cure, to be able to select from among them one from the list of whose symptoms an artificial disease may be constructed as similar as possible to the totality of the principal symptoms of the natural disease. अब ये principal symptoms क्यों use किया है, जिसको O'Reilly में लिखा हुआ है main symptoms. कोई बताएगा कि totality तो बनी रही है, जब totality बोल दिया तो फिर totality of the principal symptoms क्यों बोल? सर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिजीज के सिम्टम्स की बात करी है और एक नेचुरल डिजीज की सिम्टम्स की बात करी है. हमें टोटालिटी उन सिम्टम्स की लेनी है जो प्रिंसिपल डिजीज में थे, जो नेचुरली डिजीज में थे. ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एकदम अग्री करता हूँ कि नेचुरल डिजीज जो हम डिजीज जो हमारा पेशेंट दिखा रहा है हमें उसकी सिम्टोमेटोलॉजी उठानी, उसकी टोटैलिटी बनानी है. तो टोटैलिटी बनाने में यहाँ प्रिंसिपल सिम्टम्स लिखने का क्या मतलब हुआ? जब टोटैलिटी बनाने को हनीमन ने कह ही दिया तो प्रिंसिपल क्यों यूज किया यहां पर? हनीमन बोलो उसके पेक्यूलर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स. बिल्कुल सही हनीमन, ये एक तरीके से अफोरिज्म 153 को रिफर कर रहा है कि जो टोटैलिटी बनी है उसमें से वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं
जो कि प्रिंसिपल पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है उस पर्टिकुलर दवाई के लिए, जो उस दवाई का जो हम पढ़ते आते हैं ना एसेंस बताती है, वो रेड लाइन सिम्टोमेटोलॉजी, वो एक ऐसा सिम्टम जो कि पूरी दवाई को एक्सप्लेन कर सके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए हनीमन ने यहां पर उसके ऊपर इंपॉर्टेंस डाली है कि टोटैलिटी तो आप बनाओगे ही, टोटैलिटी तो आप डिसाइड करोगे ही, पर उसमें भी वो सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं जो कि पेक्यूलियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्राइकिंग है, सिंगुलर है फॉर्म में, जो कि अफोरिज्म 153 में आपको मिलेगा। अब अफोरिज्म 106 क्या कहता है, द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन। यहां पर होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट की जब बात कर रहा है ना, तो वो ये कहना चाह रहा है, ये बयां करना चाह रहा है, जो कि आगे हनीमन अलग से भी मेंशन करते हैं, कि सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ मेंटल नहीं, पूरा फिजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, माइंड में चेंजेस क्या आ रहे हैं, सब चीज बतानी है। द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन, दैट इज टू से ऑल द मॉर्बिड सिम्टम्स एंड ऑल्टरेशन इन द हेल्थ that each of them is specially capable of developing in the healthy individual. सब दवाइयां अलग अलग तरीके की स्पेशलिटी रखती हैं, अलग अलग तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी बनाती हैं, और एक एक सिम्टोमेटोलॉजी को हमें नोट डाउन करना है, चाहे वो माइंड पे हो, चाहे वो बॉडी पे हो, चाहे वो सोमा पे। Must first have been observed as far as possible before we can hope to be able to find among them and to select suitable homeopathic remedies for most of the natural diseases. सेलेक्ट करना तो बात की बात है, पहले इसको ढूंढना, पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, एक ब्रेकअप फॉर्म में अगर देखा जाए, तो एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन फार्माकोलॉजी जो हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग है, ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन है, जिसमें हम पैथोजेनेटिक इफेक्ट जानते हैं सारी मेडिसिन के ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। सिंपल सा इतना मतलब। अब अफोरिज्म 107 में आते हैं, If in order to ascertain this medicine be given to sick persons only, अब हनीमन आपके आगे दूसरा सिनेरियो रखते हैं कि चलो ठीक है, बात हो गई हेल्दी ह्यूमन की, अगर हम सिक पे देते हैं तो क्या परेशानी है, और सिक पे देख के परेशानी है तभी ना हनीमन हेल्दी पे दे रहा है, तो यहां पर वो परेशानी को अपने बयां कर रहे हैं हनीमन कि if in order to ascertain this medicine be given to sick persons only, even though they be administered singly and alone, law of similia, law of minimum, law of simplex, ये सब आप लगा रहे हो, पर दे किसको रहे हो, sick individual को, नहीं मतलब रखता। क्या बोला, एक भी कार्डिनल प्रिंसिपल हटा तो वहां पर वो ढांचा जो होम्योपैथी का है ना गिर जाएगा। हर एक पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना दूसरा रखता है। Then little or nothing precise is seen of their true effects. कुछ भी नहीं समझ में आ पाएगा कि उसके असली effects क्या है उस दवाई के। क्यों? क्योंकि those peculiar alteration of the health to be expected from the medicine are mixed up with the symptoms of the disease and can seldom be distinctly observed. मैं अगर बीमार हूं, मान लो मेरे पास A, B, C, D symptom है, और तुम मुझे एक दवाई दे रहे हो sick पे drug proving करने के लिए, और मेरे अंदर जो एबीसीडी सिम्टम पहले से पोजेस करता हूं, दवाई से मान लो ई एफ जी एच एक और आया, अब कैसे डिसाइड कर पाओगे, कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा दवाई का है कौन सा बीमारी का है? क्या पता मेरी बीमारी क्या आगे की पैथोलॉजी का सिम्टम ई एफ जी एच हो, या क्या पता उस मेडिसिन का हो? ये डिस्टिंक्शन फैक्टर कैसे लाओगे, क्या करोगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे इसको बयां करने के लिए या जानने के लिए? नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप कि वो बीमारी की वजह से आ रहा है या उसकी आपका ड्रग प्रूविंग की वजह से आ रहा है। इसी वजह से प्योर इफेक्ट्स जानना है हमें, और प्योर इफेक्ट्स हेल्दी पे ही मिल सकता है, अपेरेंटली हेल्दी पे, सिक पे नहीं मिल सकता। वहां पर एक कंबाइंड पिक्चर आएगी, और वो पिक्चर हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर पिक्चर चाहिए। प्योर पिक्चर जानेंगे तभी हमें प्योर इफेक्ट्स ऑफ आवर मेडिसिन जान पाएंगे, तभी हम उसको प्योरली अपनी केस टेकिंग लेने के बाद पेशेंट पे दे सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ब्रेकअप सभी मैंने कुछ अफोरिज्म के नहीं बना पाया हूं, उसको मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ब्रेकअप जैसे मैं ग्रुप पे भेजता हूं आपको रिवीजन के लिए, वो मैं भेज दूंगा ग्रुप के बाद में। अब अफोरिज्म 108 पे आते हैं,
देर इज देर फॉर नो अदर पॉसिबल वे. अब देखो आपको पहले क्या बताया, ड्रग प्रूविंग क्या होती है, हेल्दी पे करना हमें जरूरी है, दूसरे सिक पे क्यों करना जरूरी नहीं है, दोनों चीज बता दी. अब ये बोल रहा है कि क्योंकि सिक पे नहीं हो सकता, सिक के द्वारा हमें वो चीज नहीं मिल रही है, देर फोर देर इज नो अदर पॉसिबल वे, कोई और तरीका नहीं है, यही एक तरीका है जिससे हम पा सकते हैं मेडिसिनल वर्च्यू. इन विच द पेक्यूलियर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल कैन बी एक्यूरेटली असर्टेंड, देर इज नो श्योर नो मोर नेचुरल वे ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस ऑब्जेक्ट देन टू एडमिनिस्टर द सेवरल मेडिसिन एक्सपेरिमेंटली इन मॉडरेट डोजेस टू हेल्दी को सर्कल कर लो, टू हेल्दी पर्सन मॉडरेट डोजेस को भी सर्कल कर लो, क्रूड फॉर्म में नहीं देना है कि एकदम उठाया और जितना बनाया उतना दे दिया, डोजेस की मॉडरेशन रखना भी इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्डर टू असर्टेन व्हाट चेंजेस सिम्टम्स एंड साइन ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ईच इंडिविजुअली प्रोड्यूसेस ऑन द, अब यहां पर हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड, होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट, बॉडी पे क्या डिफरेंस आ रहा है और माइंड पे क्या आ रहा है, दोनों को सर्कल कर लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एंड दैट इज टू से व्हाट डिजीज एलिमेंट्स दे आर एबल टू टेंड टू प्रोड्यूस, सिंस एज हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड ऑल द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन लाई इन द पावर दे पोजेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैन्स हेल्थ एंड इज रिवील्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द लैटर. जो हम पहले पढ़ के आए हैं पहले के एपिसोड में, कि जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है वही मेडिसिन ठीक करती है, इस बेसिस को लेते हुए कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, हेल्दी पर्सन पे देना, मॉडरेट डोज में देना और उसकी होल पैथोजेनिक इफेक्ट को जानना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल. अब इसके फुटनोट पे आते हैं. अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि क्या हनीमैन के पहले कोई और है जो इस बारे में सोचा है, तो हाँ एक है, वो यहां पर हनीमैन बता रहे. नॉट वन सिंगल फिजिशियन As far as I know, during the previous 2,500 years, thought of this so natural, so absolutely necessary, and only genuine method of testing medicine for their pure and peculiar effects in deranging the health of a man in order to learn what morbid state each medicine is capable of curing. Except, ek exception hai, Hanuman kehte hain yahan par, the great and immortal Albert von Haller. ये अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, हाईलाइट कर लो, ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि क्या हनीमैन से पहले कोई हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के बारे में सोचता था, तो आंसर आपका ये होना चाहिए, रेफरेंस आपका होना चाहिए अफोरिज्म 108 में दिया है, फुटनोट में दिया है. ही अलोन बिसाइड माइसेल्फ सॉ द नेसेसिटी ऑफ दिस, मेरे अलावा एक वही थे जो इस बारे में, इसके बारे में सोचते थे, इसको नेसेसरी समझते थे. अब यहां पर दूसरी भाषा में जो कोटेशन दिया है जो कि एल्ब्रेट वॉन हेलर का है. अब आपको एक और बात बता दूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. बट नो वन नॉट अ सिंगल फिजिशियन अटेंडेंट टू और फॉलोड अप दिस इनवैल्यूएबल हिंट. वो कहते हैं कि हेलर की बातों को किसी ने भी समझा नहीं, किसी ने भी फॉलो नहीं किया, किसी ने भी और सोचा नहीं उसकी लाइन, इस वजह से ये बात पीछे रह गई. अब बात आते हैं ये जो और लैंग्वेजेस की चीजें दी रहती हैं हमारी ऑर्गेनॉन में आरी डजन की, इसका ट्रांसलेशन आपको ओराइली में मिल जाएगा. ओराइली की ट्रांसलेशन में आपको इसीलिए लेने को बोलता हूं. देखो यहां पर जो लिखा हुआ है ना उसका ये ब्रैकेट में ट्रांसलेट करके ओराइली ने लिखा हुआ है, जो कि एल्बर्ट वॉन हेलर कह रहे हैं. इन ट्रूथ अ रेमेडी मस्ट फर्स्ट बी ट्राइड ऑन अ हेल्दी बॉडी विदाउट एनी फॉरेन एडमिक्सचर. वंस वन हैज टेस्टेड इट ओडर एंड टेस्ट, वन शुड टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डोज एंड पे अटेंशन टू एनी इफेक्ट्स व्हिच एंश्यू. व्हाट आर द पल्स रेट, द टेम्परेचर, द रेस्पिरेशन रेट, the excretions. After observation of the succession of clear effects in a healthy body, one may produce to trials on a sick one. वो कहते हैं कि पहले healthy body पे try करो, फिर उसके बाद उसमें note करो कि वो क्या changes ला रहा है, physiological changes क्या produce कर रहा है, उसके बाद सोचना sick human beings पे proving करने के लिए. ये Haller कह के गए थे, पर इनकी इतनी important बात को किसी ने भी follow नहीं किया, किसी ने भी आगे try नहीं किया, सिवाय किस एक इंसान के, जो हमारे मास्टर हैं, डॉक्टर हनीमैन. अब आज का लास्ट अफोरिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं, वही चीज जो हनीमैन पहले बताए हैं, हनीमैन उस पर एम्फोसाइज करके वापस आ रहे हैं और थोड़ा नार्सिसिस्टिक साउंड करेगा पर ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये उनका कॉन्फिडेंस है.
ये उनके इतने सालों की मशक्कत है, ये इतने उनके सालों की मेहनत है जो इस लैंग्वेज में वो पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई वॉज द फर्स्ट दैट ओपन्ड अप दिस पाथ विच आई हैव परस्यूड विद अ परसीवरेंस दैट कुड ओनली अराइज एंड बी केप्ट अप बाय अ परफेक्ट कन्विक्शन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ. आप याद करिए ऑडे सपेरे, आप याद करिए उस जमाने के टॉर्चर्स जो होते थे हनीमैन के ऊपर, और तब ऐसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करना, एक्सपेरिमेंट करना और फैलाना कितना मुश्किल होता था. इस वजह से यहां हनुमान लिख रहे हैं कि क्योंकि मुझे अपने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे भरोसा था, परफेक्ट कन्विक्शन रखता था, मैं ऑर्डे सपेरे में बिलीव करता था, डेयर टू बी वाइज था मैं, इस वजह से मैं ये परस्यू कर पाया और मैं पहला इंसान हूं जो इस चीज को बताने के लिए आगे आया हूं. दैट इज only by the homeopathic employment of medicine that the certain cure of human maladies is possible. Sirf homeopathic dawaiyon ke dwara hi disease ko theek kiya ja sakta hai. Certain cure jo bolte hain wo usi ke dwara mil sakta hai. Palliation bahut sari cheezein kar sakti hai, contrarian palliation karta aaya karta rahega, par jo cure ki certain cure ki baat hoti hai wo sirf homeopathy kar sakti hai. इसके फुटनोट में हनीमैन ने इसी चीज को थोड़ा एम्फसाइज करके बोला है कि अगर कोई इंसान ऐसा, कोई होमपैथ ऐसा सोच रहा है कि ये चीज गलत है, तो वो गलत है क्योंकि उसने नहीं देखा हुआ है, उसने नहीं समझा हुआ है, उसने नहीं एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, और करेगा तो उसको ये ट्रुथ दिखेगी ही दिखेगी, ये इतनी साफ है. इट इज इम्पॉसिबल दैट देयर कैन बी अनदर ट्रू बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डायनेमिक डिजीजेस. दैट इज ऑल डिजीजेस नॉट स्ट्रिक्टली सर्जिकल. सर्जिकल डिजीजेस को यहां से हटा दो, डायनेमिक डिजीजेस की बात करो, कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है बिसाइड होम्योपैथी, देयर इज नो अदर वे. जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ मोर देन वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ही हु इमेजिन्स दैट देयर आर अदर मोड्स ऑफ क्योरिंग डिजीजेस बिसाइड इट कुड नॉट हैव अप्रिशिएटेड होम्योपैथी, या तो उसने होम्योपैथी को कभी देखा ही नहीं कि वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है. फंडामेंटली नॉट प्रैक्टिस इट विद अ सफिशिएंट केयर, या वो प्रिंसिपल ऑर्गेनॉन के बेसिस पे उसको कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, एक जस्ट थेरेप्यूटिक वे में प्रैक्टिस करता चला आ रहा है. नॉर कुड ही एवर हैव सीन और रेड केसेस ऑफ प्रॉपरली परफॉर्म होम्योपैथिक केसेस, ना ही उसने पिछले जमाने में हिस्ट्री में जाके अपने स्टॉलवर्ट्स को पढ़ा, उनके केसेस को देखा कि वो कैसे ठीक कर रहे हैं. नॉर ऑन द अदर हैंड कुड ही हैव डिसर्न्ड द बेसलेसनेस ऑफ एन एलोमैथिक मोड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, ना ही उसने ये देखा होगा कि एलोपैथिक जो वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीज वो कितना बेसलेस है, जिसके ऊपर कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिसका आज एक प्रिंसिपल है तो कल दूसरा है तो परसों तीसरा है, इतना बेसलेस कंजेक्चर्स पे बेस्ड है वो. ही प्लेसेस द ओनली ट्रू हीलिंग आर्ट ऑन एन इक्वालिटी विद दोज हर्टफुल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट और एलिजेस द लेटर टू बी ऑक्सिलरीज टू होम्योपैथी विच इट कुड नॉट डू विदाउट. माई ट्रू कॉन्शियस फॉलोअर्स द प्योर होम्योपैथिस, जो प्योरली प्रिंसिपल बेस्ड हनीमैनियन होम्योपैथी ऑर्गेनॉन को पढ़ के फॉलो करेगा with their successful almost never failing treatment might teach this person better. aap log isko kariye aur aap pe jo na mane usko in cheezon ke bare mein bataiye aur bata ke cases ke through dikha ke cases ko record karke organon se refer karke dikha ke unko samjhaiye ki yahi ek akela tarika hai. Hanuman ye aap se expect karta hai, ye unki expectations hai aap se, क्योंकि हनीमैन को उस जमाने में भी पता था कि आगे जाके लोग किस तरीके से बर्बाद होने वाले. द फर्स्ट फ्रूट्स, अभी इसमें नीचे हनीमैन ने जो सेकंड पार्ट ऑफ फुटनोट है उसमें बताया कि अब ये जो उन्होंने चीजें उठाई हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग में, वो उन्होंने मेंशन कहां पर करी थी पहली बार. तो वहां पर सबसे पहले हनीमैन ने अपनी मटीरिया मेडिकल जो पहली थी वो थी फ्रेगमेंटेड रिवर्बस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिवे इंसेनो कॉर्पोरिस ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स. ये पूछते हैं, इसका पूरा नाम वाइवा में पूछा जाता है तो प्लीज याद कर लीजिएगा. और फिर मटीरिया मेडिका प्यूरा और क्रोनिक डिजीज, ये तीन वो जगह थी जहां पर जो भी सिम्टोमेटोलॉजी हनीमैन ने हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग से करी थी उसको उठा के लिखा था. ये वो तीन सोर्सेस जो हनीमैन बता रहा है, ये उसके फर्स्ट फ्रूट जो उसके लेबर के फ्रूट जो उसको फल मिला इतने सालों का वो यहां पर उसने मेंशन करा. अभी हम यहीं पर रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप, आई होप कि आप लोग को ड्रग प्रूविंग का बेस समझ में आया होगा, हनीमैन क्यों करते हैं समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे आगे जो कि
प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में. नेक्स्ट क्लास से हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करें. अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को भेजिए ग्रुप पे, पर्सनल भेजिए. मैं एक क्लास बीच में रखता हूँ, वो ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, वो मैं कभी भी आपको टाइम बता दूंगा. वो रख के हम अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.